हेलो मेरे प्यार बच्चों क्या हाल चाल आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे आज बच्चों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं फिजिक्स का मॉडल पेपर वन बच्चों आपका फिजिक्स का एग्जाम है 9 मार्च को तो 9 मार्च से पहले आप इस मॉडल पेपर को भाई जरूर से जरूर कर लीजिए यदि आप इस मॉडल पेपर को कर लेते हो तो आप आराम से छप्पन में से बच्चों 35 मार्क्स इस मॉडल पेपर में से आप आराम से ला सकते हो बच्चों यहीं से आपके काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों जो आपका पेपर होगा फिजिक्स का उसमें आपको समय दिया जाएगा तीन घंटे पंद्रह मिनट का और जो आपका पेपर होगा वो आपका होगा छप्पन नंबर का आपके लिए बच्चों कुछ सामान्य निर्देश है इनको भी आप पढ़कर जरूर जाइएगा कि आपको एग्ज़ाम के समय किन बातों का ध्यान रखना है ये सारे आपके क्या है सामान्य निर्देश है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा देखो जो आपका पेपर है बच्चों वो खंड के अंदर आएगा जो आपका खंड ए है बच्चों उसमें क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव और आपके फिलिंदा ब्लैंग खालिस्तान वाले क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है धातुओं के लिए आपेक्षिक विदुशीलता का मान होता है तो देखो मैं आप सभी को बता दूं निर्वात के लिए और वायु के लिए जो आपेक्षिक विदुशीलता होती है उसका मान होता है बच्चों एक वायु के लिए भी वो पूछ सकता है आपसे पानी के लिए पूछता है तो पानी के लिए होता है अस्सी से इक्यासी ऑप्शन में अस्सी मिले चाहे इक्यासी मिले दोनों ही बच्चों परफेक्ट होंगे बात की जाए बच्चों धातु के लिए धातु के लिए जो आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है वो हमेशा होता है बच्चों इनफाइनेट यानी क्या होता है प्यार बच्चों अनंत होता है हिंदी में भी अनंत लिखा मिले तो अनंत को टिक करना है बट आपको ऑप्शन में कहीं अनंत नहीं दिख रहा है लेकिन आपको अनंत का सिंबल दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर ये बच्चों हमारा अनंत होता है तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का मान क्या होता है देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन इन लोगों ने पूछ लिया है ये आपका मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है ई e वेक्टर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल रहे हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जब तो चलते हैं तो जो विभव का मान होता है उसमें क्या परिवर्तन होगा घटेगा बढ़ेगा नियत रहेगा शून्य हो जाएगा यह आपको बताना है तो देखिए ध्यान से आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ई e बराबर माइनस का डीबी अपोन में डीएक्स माइनस का डीबी अपोन में डी एक्स होता है विभव प्रवणता अब देखो यहाँ पर आपका माइनस चिन्ह लग रहा है तो माइनस चिन्ह क्या व्यक्त कर रहा है व्यक्त कर रहा है बच्चों कि आप विद्युत क्षेत्र दिशा में जाओगे तो जो वोल्टेज है आपका जो विभव है आपका वो क्या है भाई घटेगा क्या होगा घटेगा तो ऑप्शन देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर घटेगा यानी कि कम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड की पूछ रहा है धारा घनत्व का मात्रक होता है देखिए आपको जब भी किसी भौतिक राशि का मात्रक निकालना है तो आपको सबसे पहले उस भौतिक राशि का सूत्र पता होना चाहिए जैसे आपको सूत्र पता लग जाएगा आप इजली क्या निकाल लोगे मात्रक निकाल लोगे अब देखिए जो धारा घनत्व होता है इसका सूत्र होता है जे बराबर एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा क्या कहलाती है भाई धारा घनत्व कहलाती है अब देखिए धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है और जो आपका ए क्या है क्षेत्रफल क्षेत्रफल का मात्र होता है मीटर स्क्वायर तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की पूछ रहा है किरचौप का उल्टा का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है बच्चों किचौप के नियम से डेफिनेट है एक क्वेश्चन आपका बनेगा चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे आपके नियम से अकॉर्डिंग हो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा देखिए किचौप ने ना दो नियम दिए थे किरचौप भाई साहब ने दो नियम दिए थे फर्स्ट एंड सेकेंड जो फर्स्ट नियम है इसके ना बच्चों दो नाम तीन नाम और होते हैं सुनिएगा ध्यान से इसको हम कहते हैं संधि नियम या फिर धारा का नियम या फिर कहते हैं हम इसको कैसीएल का नियम तीन नाम है बच्चों इसके और जो सेकंड है इसको कहेंगे बच्चों हम लूप नियम या फिर हम कहेंगे पास नियम या फिर हम कहेंगे केवियल का नियम केवियल का मतलब है किचौ उल्टा लो कैशियल का मतलब है किचौ करंट लो ठीक है बच्चों आगे ध्यान दीजिएगा थोड़ा ध्यान से देखिए जो आपका किरचौ का पहला जो नियम होता है ये आवेश संरक्षण पर किस पर होता है भाई आवेश संरक्षण पर होता है और जो सेकंड नियम होता है ये आपका होता है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित अब आपसे पूछा है उल्टा का नियम यानी बच्चों सेकंड नियम की बात कर रहा है तो सेकंड नियम जो है वो किस पर आधारित है ऊर्जा संरक्षण नियम पर तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बिल्कुल सही बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है दो समांतर धारावाही चालक तार जिनके मध्य समान धा, दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है के मध्य आरोपित होगा तो बल आपको वही बताना है कि बल कौन सा लगता है आकर्षण प्रतिकर्षण बल आरोपित नहीं होगा बल धारा की दिशा में निर्भर नहीं करता है देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर दो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है समझिएगा कैसे मान के चलिए ये दो समांतर धारावाही चालक तार है ये भी दो समांतर धारावाही चालक तार है इनमें जो धारा है वो क्या है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है और इनमें धारा क्या है विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी समांतर धारावाही चालक तारों के अंदर धारा की जो दिशा है वो समान है तो बल लगता है आकर्षण और यदि धारा की दिशा क्या है भाई विपरीत है तो बल लगता है प्रतिकर्षण ये बात आपको समझनी होगी अब आपसे कह रहा है कि समान दिशा में धारा बह रही है तो बल कौन सा लगेगा भैया आकर्षण लग जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही होगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ट्रांसफार्मर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है तो बताइए जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो याद रखिएगा बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है ये हमारा अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है म्यूचुअल इंडेक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी विकरण कौन सी है बच्चों हरित गृह प्रभाव आप सभी जानते हो तो इसके लिए जो विकरण आती है वो कौन सी उत्तरदायी इसको करवाने के लिए ये आपको बताना है तो आपको याद रखना है हमेशा इसके लिए जो आवश्यक विकरण होती है वो हमारी पाई जाती है बच्चों अवरक्त कौन सी होती है अवरक्त विकरण होती है ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा यदि दोस्तों वीडियो आपका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है अपवर्तन की परिघटना में प्रकाश की आवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है अपवर्तन की घटना में आपको प्रकाश की आवृत्ति वही बतानी है किस प्रकार परिवर्तित होगी बढ़ जाती है कम हो जाती है अपरिवर्तित रहती है कोई नहीं तो बताइए इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा तो आपको याद रखना है बच्चों जब भी आप अपवर्तन की परिघटना करवाते हो उसमें आवर्ती का कोई रोल ही नहीं होता है पहली बात तो आवर्ती नहीं बदलेगी अपरिवर्तित रहेगी बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कैसग्रेन टेलीस्कोप में दित्यक दर्पण होता है देखो आप सभी ने टेलीस्कोप का डायग्राम बच्चों बनाया होगा इस टाइप से डायग्राम होता है उसका ठीक है इस टाइप से डायग्राम होता है तो आप सभी ने डायग्राम बच्चों जो देखा होगा ठीक है तो जो टेलीस्कोप होता है उसमें जो द्वितीय दर्पण होता है दूसरा जो दर्पण लगाया जाता है वो कैसा होता है ये आपको भाई बताना है तो याद रखिएगा टेलीस्कोप के अंदर जो दूसरा दर्पण होता है वो हमारा होता है उत्तल दर्पण कौन सा होता है उत्तल दर्पण होता है ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रकाश स्रोत से अपसरित प्रकाश का तरंगाग्र किस प्रकार का होगा देखो विद्युत प्रकाश स्रोत है विद्युत प्रकाश स्रोत के अंदर आप यूज कर सकते हो भाई बल्ब को बल्ब को आप यूज कर सकते हो मान के चलिए बल्ब है तो बल्ब से कैसा तरंगाग्र बनेगा ये आपको बताना है देखिए जो आपका बल्ब होता है वो एक बिंदु स्रोत होता है ये बच्चों क्या होता है आपका बिंदु स्रोत होता है और जो भी बिंदु स्रोत होता है उससे जो हमेशा तरंगाग्र बनता है वो बनता है गोलीय तो ये आपका बन जाएगा गोलीय तरंगाग्र यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है डी ब्रोगली तरंग धैर्य का सूत्र है तो देखो जो डी ब्रोगली तरंग धैर्य है लेमड़ा उसका फॉर्मूला होता है एच अपोन में पी होता है एच है आपका पलांग नियतांग पी है बच्चों आपका संवेग या बच्चों आपको ये तरंग धैर्य ऐसे भी लिखी मिल सकती है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा एच अपोन में पी का मान क्या होता है द्रोमान गुणा में वेग तो एच अपोन एम बी भी आपको नजर आ सकता है तो आप ऑप्शन देख लीजिए आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है आपतित विकरण की तीव्रता बढ़ाने पर निरोधी विभोग किस प्रकार परिवर्तित होता है निरोधी विभोग किस प्रकार परिवर्तित होगा तीव्रता बढ़ाने पर यह आपको बताना है तो देखिए आप हमेशा याद रखिए ये नो चेंज रहेगा कोई परिवर्तन नहीं आएगा ए परिवर्तित रहता है उसका रीज़न क्या है समझ लीजिए देखो तो जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना वो जो तीव्रता होती है उस पर डिपेंड ही नहीं करती है जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है इसी वजह से जो आपका निरोधी विभव होगा हो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा वो अपरिवर्तित रहता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा आपको बतानी है इलेक्ट्रॉन की भैया कुल ऊर्जा आपको बतानी है देखिए कुल ऊर्जा यानी कि एन वी कक्षा में ऊर्जा निकालने का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ई एन इक्वल टू माइनस का तेरह पॉइंट छः जेड स्क्वायर बट्टे में क्या होता है एन स्क्वायर होता है अब देखिए आपका परमाणु कैसा है हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन जो एटोमिक नंबर होता है जेड वो एक होता है और कक्षा कौन सी है भाई पहली कक्षा है तो एन का मान भी क्या है एक है तो यहाँ एक एक का स्क्वायर एक होने वाला है तो एनर्जी आ जाएगी आपकी माइनस का तेरे पॉइंट छ कौन सी कक्षा की एनर्जी है प्रथम कक्षा की एनर्जी है तो माइनस का तेरे पॉइंट छ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन है नाभिक के चारों तरफ गति करते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटिकृत होता है तो भैया ये तो बोर की क्या है द्वितीय परिकल्पना है ठीक है तो बोर की क्या है द्वितीय परिकल्पना है तो बोर के अनुसार है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है नाभिकीय अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है देखो जब आपने नाभिकीय अभिक्रिया पढ़ी होगी बच्चों आपने बंधन ऊर्जा द्रोमान क्षति आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा जो एनर्जी का लॉस होता है वो द्रोमान के रूप में होता है तो यहाँ पर कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है द्रोमान क्षति के कारण मुक्त होती है ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की किस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल्स की संख्या समान होती है देखिए बच्चों अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं नज अर्धचालक एक होते हैं अपद्रव्य अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक के अंदर दो प्रकार के अर्धचालक आ जाते हैं एक तो आता है पी प्रकार का अर्धचालक एक आता है एन प्रकार का अर्धचालक देखो जो नेज अर्धचालक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं वो समान होते हैं ये दोनों क्या होते हैं भाई समान होते हैं लेकिन जो पी प्रकार के अर्चालक होते हैं इसके अंदर होल्स ज्यादा होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई कम होते हैं जो एन प्रकार अर्चालक है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल्स क्या होते हैं कम होते हैं बट यहां हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों बराबर होने चाहिए तो बराबर किस में होंगे भाई नेज अर्चालक के अंदर तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो बच्चों ये थे आपके पंद्रह ऑब्जेक्टिव पंद्रह नहीं बच्चो सोलह सोलह क्या थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब बात करते हैं बच्चों हम फिलिंदा ब्लैंक रिक्त स्थानों की हमें क्या करनी है पूर्ति करनी है तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है जवाब आप दीजिएगा पूछ रहा है कि विद्युत विद्रु आगुण की दिशा खालिस्तान से खालिस्तान की तरफ होती है देखो जो विद्युत विद्रुव आगुण होता है उसको हम प्रेजेंट करते हैं पी वेक्टर से और जो पी वेक्टर होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है माइनस से प्लस की ओर होती है यानी कि ऋणात्मक से धनात्मक की ओर तो यहां लिखोगे आप ऋणात्मक और यहां लिखोगे बच्चों आप धनात्मक ठीक है लिख दीजिएगा बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की कि किसी चालक की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई बढ़ाने पर खालिस्तान रहती है प्रतिरोधकता की आपसे बात कर रहे हो तो फॉर्मूला होता है आर बराबर में रो एल अपोन में ए अब यहां से आप प्रतिरोधकता निकालते हो तो ए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एल का कर डिवाइड करोगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर गुणा में ए बटा में एल हो जाएगा अब आपने क्या क्या लंबाई को बढ़ा दिया एल को आपने बढ़ा दिया तो बच्चों प्रतिरोधता है है वो क्या है? आपकी घटेगी क्यों क्योंकि जो प्रतिरोधता है वो लंबाई क्या है भाई वित्रमानुपाती है तो आप लिखोगे यहां पर कम रहती है कम रहती है या फिर घट जाती है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चुम्बक के क्षेत्र रेखाओं के समांतर गति करते आवेश का पथ खालिस्तान होगा ये आपको बताना है देखो ये आपका क्या है चुम्बक के क्षेत्र है या चुम्मा के क्षेत्र रेखा है यहाँ पर कोई आवेश है जो समांतर गति कर रहा है समांतर जब आवेश गति करेगा बी वेक्टर में तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा वो क्या है आपका जीरो डिग्री बनने वाला है क्योंकि जो एंगल लिया जाता है वो आवेश और चुम्मा के क्षेत्र के बीच का लिया जाता है एंगल आपका थीटा है और आप सभी ने पढ़ा है जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करता है उसमें फोर्स लगाता है फोर्स इतना लगाता है भाई थीटा थीटा का वैल्यू रखते हो तो साइन जीरो मल्टीप्लाई हो क्या बन जाएगा? बन जाएगा. तो कितना आएगा आपका जीरो आएगा यानी कि लगने वाला फोर्स क्या है भाई जीरो है जब फोर्स बच्चों जीरो है कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो वो मूव कैसे करेगा और मूव नहीं करेगा तो उसका जो पथ है वो कैसा होगा अपरिवर्तित रहेगा यहां लिखोगे आप ए परिवर्तित बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है पूछना है कि परम शून्य ताप पर अति चालक पूर्ण प्रति पदार्थ की, की भांति काम करते हैं इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं इस प्रभाव को बच्चों हम कहते हैं अति चालकता क्या कहेंगे अति चालकता इस प्रभाव को कहते हैं इसका दूसरा नाम और है जिसको हम नाम से जानते हैं मैसनर प्रभाव कौन सा है बच्चों मैसनर प्रभाव के नाम से भी इसे जाना जाता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है बच्चों अनुनाद पर विद्युत धारा और विभो के मध्य कलांतर कितना होगा देखो अनुनाद परिपथ की बात कर रहा है यानी एलसीआर जो परिपथ है है वो अवस्था में है, अनुनाद की अवस्था में है और जब भी आपका एलसीआर परिपथ अनुनाद की अवस्था में होता है तो जो आपकी प्रतिबाधा है वो आर परिपथ की भांति होती है यानी कि आर परिपत बन जाता है आर परिपथ बन गया तो आर परिपथ में कलांतर कितना होता है भाई जीरो डिग्री होता है तो यहाँ आपका आ जाएगा जीरो डिग्री बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक है कि आपतन कोण का मान खालिस्तान हो किससे भाई क्रांतिक कोण से किससे क्रांतिक कोण से जिसको डिनोट करते हैं हम आई सी से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की समान कला में कंपन करने वाले माध्यमिक कणों का बिंदु पथ क्या कहलाता है भाई तरंगाग्र कहलाता है डेफिनेशन पूछ ली बच्चों इसके अंदर आ जाएगा तरंगाग्र बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकाश विद्युत धारा की के समानुपाती होती है तो किसके समानुपाती होती है विकरण की तीव्रता किस के किसके विकरण की तीव्रता के क्या होती है समानुपाती होती है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की खालिस्तान प्रकृति का सर्वाधिक स्थायी नाभिक है सबसे सर्वाधिक स्थायी नाभिक कौन सा होता है भाई आयरन होता है छब्बीस छप्पन आपका जो है आयरन और सबसे सर्वाधिक स्थायी नाभिक है ठीक है बच्चों ये आपको ध्यान में रखना है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अग्र बायस में डायोड के अवच्छय प्रत की चौड़ाई खालिस्तान हो जाती है तो बच्चों कम हो जाती है अग्र बायस में कम होती है पश्च बायस में बढ़ जाती है ये बात आपको ध्यान में रखनी है बात करते हैं बच्चों हम निम्न क्वेश्चन नंबर थर्ड की निम्न प्रश्नों का हमें एक पंक्ति में क्या है उत्तर देना है तो देखिए उत्तर आपको कैसे देना है जो आपका क्वेश्चन है भाई फर्स्ट से पूछ रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र के संभव पृष्ठ का आरेख आपको बनाना है तो भाई संभव पृष्ठ का आरेख बनाना है एक समान विद्युत क्षेत्र में ठीक है तो देखिए कैसे बनाओगे एक समान आपका विद्युत क्षेत्र है जब भी आपका एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो उसके अंदर जो होता है ओम के नियम का आपको लिखना है जे एक वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर आपका हो जाएगा तो बच्चों ऐसे ही आपको बाकी क्वेश्चन करने हैं हमारा जो मकसद था वो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाना और और फिलिंदा ब्लैंक क्वेश्चन करवाना क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं बच्चों वो तो आपके नोट्स में भी है और मैं भी वीडियो रेगुलर डाल रहा हूँ आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी मैं आपको कम्प्लीट मॉडल पेपर दिखा लेता हूँ आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा देखिए बच्चों इसके बाद ये आपके क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बच्चों ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे नौ मार्च को सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने 2011 से लेकर 2023 तक जो भी राजस्थान बोर्ड में पूछे गए सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं पार्ट वन के अंदर तो बच्चों मैंने करवाया है दो से लेकर दो तक के क्वेश्चन और पार्ट टू के अंदर मैंने करवाया है दो से लेकर दो तक के नोमेरिकल क्वेश्चन तो उन वीडियोस को भी आप जरूर से जरूर देख लीजिए बच्चों क्योंकि उन वीडियो दे आपने देख लिया तो आपका एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा जो एग्जाम से बाहर होगा आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों यहाँ से बच्चों मैंने आपको पहले बताया कि पैंतीस प्लस मार्क्स का आएगा ही आएगा बच्चों देख लीजिएगा अच्छे से ये बच्चों आपका पेपर है ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट मैंने सोल्व करवा दिया है बच्चों इसके बाद मैं आपको मॉडल पेपर टू आपको सोल्व करवा दूंगा सभी बच्चे आप कमेंट बॉक्स में जाते समय ये बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय भारत